नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। 19 जनवरी 2019 को 20 राजनीतिक पार्टियों के 25 से भी अधिक बड़े राजनेता तृणमूल कांग्रेस की यूनाइटेड रैली में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सामने एकजुट होकर लड़ने के एक कॉमन एजेंडे के तहत शरीक हुए थे। रैली के ठीक एक दिन बाद सोशल मीडिया पर रैली को लेकर दुष्प्रचार फैलाया जाने लगा। ट्विटर यूजर गौरव प्रधान, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, उन्होंने एक टीवी ब्रॉडकास्ट की स्क्रीन की तस्वीर साझा की। तस्वीर में ममता बनर्जी का हवाला देते हुए ईमान का नाम मुस्लिम है ऐसा बयान जारी किया गया था। बयान का हवाला देकर प्रधान यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिमों का समर्थन करती हैं। हमारी पड़ताल में यह बयान अधूरा और क्लिप साबित हुआ है, तो आइए सुनते हैं क्या था उनका बयान। हिंदू का नाम है त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान सबको लेके एक साथ में जो चल सकता है वही देश का लीडर मानते हैं। इस महागठबंधन रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के एक भाषण के वीडियो को क्लिप करके उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। आइए जानते हैं दोनों वीडियो में क्या अंतर है। मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर ये दोनों दोबारा 2019 में आ गए, अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर ये दोनों दोबारा 2019 में आ गए, अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा, ये इस देश को बर्बाद कर देंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के भाषण के वीडियो में से देश शब्द को क्लिप करके पाकिस्तान कर दिया है। इसी रैली से संबंधित एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सारे नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकता दर्शाते हुए खड़े हैं और मंच पर लगे हुए पोस्टर्स में उर्दू भाषा का उपयोग किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि अगर ममता बनर्जी का पक्ष आम चुनाव जीतता है तो भारत में उर्दू भाषा का वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन असल में इस मंच पर और भी कई भाषाओं में पोस्टर्स लगाए गए थे और इस तस्वीर को क्रॉप कर सिर्फ उर्दू भाषा वाले पोस्टर को ही दर्शाया गया था। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी एक रैली के दौरान ये दावा किया कि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि पर की गई ममता बनर्जी की महागठबंधन रैली में भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाए गए। जब ऑल्ट न्यूज ने इस दावे की सत्यता जानने के लिए आगे छानबीन की तो मामला कुछ और ही सामने आया। ममता बनर्जी और हार्दिक पटेल दोनों ने अपने अपने भाषणों के दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद जैसे नारे लगाए थे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन जब जब दीदी ने बुलाया है हम आपके प्रदेश में आए हैं और बार बार आएंगे आप सभी के आशीर्वाद लेने के लिए और इस देश की आने वाली बेटी और इस देश को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। जय हिंद, भारत माता की जय। आज तक की एंकर श्वेता सिंह के पैरेडी अकाउंट से किए गए ट्वीट में ऐसा ही एक समान दावा किया गया था और श्वेता सिंह ने अनजान न्यूज़पेपर में छपे उसी ट्वीट को खारिज करते हुए एक ट्वीट किया था। एक और वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ नकाबपोश आदमी एक समूह को डराते हुए किसी और जाने का निर्देश दे रहे हैं। वीडियो को साझा करने वाले लोग यह दावा कर रहे हैं कि ऐसे टीएमसी की महागठबंधन रैली में लोग लाए गए थे।
सोचो अगर उनके हाथ में कल सरकार आई तो क्या होगा। हमारी पड़ताल में हमने पाया कि यह इंडिया टुडे ब्रॉडकास्ट का वीडियो 8 महीने पुराना है और इसका टीएमसी की महागठबंधन रैली से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव से पहले नामांकन भरने का आखिरी दिन था और उस दौरान हुई हिंसा से संबंधित है। तो यहाँ आपने देखा कि महागठबंधन रैली से संबंधित कई सारे झूठे दावों का हवाला देकर दुष्प्रचार फैलाया गया था। आम चुनाव नज़दीक हैं और राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के बीच एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू होने जा रहा है। इसी दौरान किसी भी दुष्प्रचार से बचने के लिए ऑल्ट न्यूज़ से जुड़े रहे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप किसी भी तरह की असत्यापित तस्वीर, वीडियो या दावे को भेज सकते हैं, हम उसकी जांच करेंगे। धन्यवाद।